नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कालांतर में जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू समाज में फूट डालने का षड्यंत्र रचा था, उसी तरह से विपक्षी दल भी क्षम धर्म निरपेक्षता के नाम पर हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। ओबीसी समाज में बजरंग बली की शक्ति है, बस उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को तोड़ने में लगे रावण की लंका के दहन में देरी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6.5-7 वर्षों में प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 6.5 लाख भर्तियां हुई हैं, जिसमें 60% ओबीसी समाज के लोग भर्ती हुए हैं। सीएम योगी सोमवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आयोग की भर्ती में 86 में से 56 SDM एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे। ये ओबीसी समाज के हितों पर कुठाराघात था। सीएम योगी ने कहा कि बेसिक शिक्षा की 69,000 भर्ती पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जिन्होंने 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही समाज के लोगों को भर्ती किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में बेसिक शिक्षा में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। सीएम योगी ने कहा कि 69,000 भर्ती में अगर 27% आरक्षण की बात की जाए तो 18,200 ओबीसी शिक्षकों की भर्ती होती है, लेकिन ओबीसी समाज के 31,500 शिक्षकों की भर्ती हुई। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दलों को इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज के युवा अपने बुद्धि और विवेक के बल पर कैसे इतनी अधिक सीटें प्राप्त कर ले रहे हैं, इसलिए वो भर्ती को विवादित करने की साजिश रचते हैं। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कांवड़ यात्रा केवल शिव भक्तों का मंगलगान ही नहीं है बल्कि इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा से छोटे दुकानदारों और हस्तशिल्पियों का रोजगार भी मिलता है, जिसे पिछली सरकारों ने रोकने का कार्य किया था। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 60 और सपा ने 4-4 बार शासन किया, लेकिन इन दलों की सरकारों ने ODOP के लिए कुछ नहीं किया। ODOP से जुड़े हुए हस्तशिल्पी ओबीसी समाज से आते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2006 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले उमेश पटेल और रमेश यादव भी थे, क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे? राजू पाल और उमेश पाल की प्रयागराज में जिस माफिया ने हत्या की थी, उस माफिया को गले से किसने लगाया था, इसे सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने माफिया को गले से लगाकर प्रदेश को अराजकता, गुंडागर्दी और दंगों की आग में झोंकने का कार्य किया था। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने ओबीसी समाज की नौकरियों में डकैती डाली है, जिन लोगों ने युवाओं का रोजगार छीना और जिन लोगों ने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, वे लोग आज वो समाज में फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने ओबीसी समाज के लोगों का रोजगार छीना है, वही भाजपा ने एक समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और बटाईदारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करा रही है। कृषि सेक्टर से जुड़े हुए ज्यादातर लोग ओबीसी समाज के आते हैं।